वेलकम बैक गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम आज पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लैरिंग्स। पिछले जो पहला लेक्चर हमने इसमें किया था, उसमें हमने नेजल कैविटी पढ़ी थी, नॉस्ट्रल्स पढ़े थे और नेजल साइनसेस पढ़े थे, पैरानेजल साइनसेस। लेकिन फिर हमने फेरेंक्स नहीं पढ़ा। क्यों? फेरेंक्स हमने GIT में ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो लेक्चर आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लैरिंग्स से। तो क्या होता है हमारा लैरिंग्स? लैरिंग्स हमारा होता है ऑर्गन फॉर साउंड प्रोडक्शन। जो हमारे साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है वो हमारा लैरिंग्स ही होता है। लाइज एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। ये एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक, अगर आप अपने हाथ से अपने नेक को टच करोगे, थोड़ा पल्पेट करोगे, तो आपको दिखेगा ये जो आपको ये बल्जड एरिया दिखेगा, ये हमारा लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स एक्सटेंड कहाँ से होता है? जो रूट ऑफ टंग होती है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, और कहाँ तक? ट्रैकिया तक ये जाता है हमारा लैरिंग्स। कहाँ से? रूट ऑफ टंग से लेकर हमारे ट्रैकिया तक हमारा लैरिंग्स जाता है। तो अगर वर्टिब्रा के लेवल की बात करें तो ये अपोजिट होता है, सर्विकल 3 से लेकर सर्विकल 6 वर्टिब्रा तक, तीन वर्टिब्रा के अपोजिट में ये होता है, C3 से C6 तक। इसके बाद अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, लेंथ की बात अगर हम करें, तो 4.3 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। अगर ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें, जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो 4.2 सेंटीमीटर होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें एंटीरियो पोस्टीरियर, जो इसका डायमीटर होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, वो होता है 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद जो मेल लैरिंग्स होता है वो लार्जर होता है फीमेल लैरिंग्स से, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटन इसका, जो हमारे लैरिंग्स होता है इसका स्केलेटन हम देखेंगे अब। तो स्केलेटन में हम क्या देखेंगे? पहले स्केलेटन में हम देखेंगे, इसमें हमारी 9 कार्टिलेजेस होती है। जो हमारा स्केलेटन होता है लैरिंग्स का, इसमें 9 कार्टिलेजेस होती है, 9 कार्टिलेजेस होती है। उसमें से 3 जो होती है वो पियर्ड होती है, 3 पियर्ड होती है, और जो 3 होती है वो अनपियर्ड होती है। जो 3 पियर्ड हुई वो 6 हुई, और 3 अनपियर्ड है तो 6 और 3 मिला के 9 होते हैं, टोटल ये 9 होते हैं। तो पहले हम अनपियर्ड कार्टिलेजेस की बात करें। जो अनपियर्ड कार्टिलेजेस है वो कौन कौन सी होती है? पहली वाली जो होती है वो थायरॉयड कार्टिलेज होती है, फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है, फिर एपिग्लॉटिस होती है। थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर मैं खाली आपको नाम बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए रिवाइज करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। इसके बाद अगर पियर्ड कार्टिलेज की बात करें तो पियर्ड कार्टिलेज भी 3 होते हैं। पहले जो होती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज होती है, ये 2 होती है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉनिक्यूलेट, ये भी 2 होती है, जो हमारी कॉनिक्यूलेट होती है, और क्यूनिफॉर्म भी हमारी 2 होती है, 2 एरिटिनॉइड्स, 2 कॉनिक्यूलेट और 2 क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हमारी होती है। तो ये 2, ये 2, ये 2, 6 हुए, और ये 3, 6 और 3 मिला के टोटल 9 होते हैं, टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले जो है हमारी थायरॉयड कार्टिलेज की, थायरॉयड कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी। देखो ये हमारी थायरॉयड कार्टिलेज होती है, ये जो आपको ये बड्डी सी दिख रही है ना, ये हमारी थायरॉयड कार्टिलेज होती है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक साइड व्यू है। तो यहाँ पर दबाने से हमें लगता है ये हमारे, मतलब जब हम गले को ऐसे हाथ लगाते बाहर से गर्दन को, तो हमें ये वाला एरिया वहाँ पर जो हम पल्पेट करते हैं वो ये वाला एरिया होता है, थायरॉयड कार्टिलेज का ही वो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। तो इसके बाद ये देखो, ये जो आपको दिख रही होगी ये येलो, ये हमारी हायरॉयड कार्टिलेज होती है, हायरॉयड बोन होती है, कार्टिलेज नहीं होती। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर ये वाला, ये एपिग्लॉटिस होती है, और इसके पीछे आपको दिख रहा होगा वो लैरिंजियल इनलेट होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये देखो, ये हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज रिंग लाइक होती है, और फिर नीचे ट्राइकिया शुरू होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लैरिंग्स होता है। तो इसी तरह दूसरी डायग्राम यहाँ पर है, जिसमें आपको दिखाना चाहता हूँ एपिग्लॉटिस, हायड बोन, थायरॉयड कार्टिलेज, ये देखो थायरॉयड कार्टिलेज, थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी थायरॉयड कार्टिलेज होती है। और ये जो आपको इसमें दिख रही होगी ये लाइन, इसको हम ओब्लिक लाइन कहते हैं, इसका सुपीरियर हॉर्न होता है, ये इन्फीरियर हॉर्न होता है थायरॉयड कार्टिलेज का। ये हमारे
क्रिको थायरॉयड लिगामेंट होता है पीछे से, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज होती है। तो ये थी डायग्राम इसकी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर से वो पॉइंट्स। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी लार्जेस्ट होती है, जो सबसे पहले हमने बात की थी, इट इज़ द लार्जेस्ट, जो थायराइड कार्टिलेज होती है लार्जेस्ट होती है लैरिंजियल कार्टिलेज में से, और ये हाइलियन कार्टिलेज होती है। सेकेंड पॉइंट जो है, ये हाइलियन कार्टिलेज होती है मेड ऑफ टू क्वाड्रेंगुलर प्लेट्स, ये दो क्वाड्रेंगुलर प्लेट्स से बनी हुई होती है, दो क्वाड्रेंगुलर प्लेट्स होती है जो कि आपस में मिले हुए होते हैं, उनसे बनी हुई होती है। एंटीरियर बॉर्डर इज़ यूनाइटेड इन दियर लोअर पार्ट्स, जो इनका एंटीरियर बॉर्डर होता है वो ज्वाइन होता है आपस में लोअर पार्ट्स पे, जो लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ज्वाइन होते हैं और एंगल बनाते हैं, जिस एंगल को हम क्या कहते हैं, वो प्रोमिनेंस होती है, प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस बनाते हैं हमारे मिडल नेक में, जो मिडल नेक में हम अगर हाथ लगाते हैं अपने नेक को तो हमें वहाँ पर एक प्रोमिनेंस मिलती है, जो प्रोमिनेंस हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, लैरेंजियल प्रोमिनेंस या एडम्स एप्पल, मोर इन मेल्स, मेल्स में ये बड़ा होता है। तो ये हमारा लैरेंजियल प्रोमिनेंस हुआ या एडम्स एप्पल हम इसी को कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखो एंटीरियर बॉर्डर आर सेपरेटेड बाय ए थायरॉयड नोच, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो सेपरेटेड होता है किससे, एंटीरियर नोच होता है वहाँ पर, उसकी वजह से सेपरेट होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर एक्सटेंड सुपीरियरली, पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है एक्सटेंड करता है सुपीरियरली एज द सुपीरियर हॉर्न, तो सुपीरियर हॉर्न जो मैंने आपको दिखाया वो ऊपर जाता है, सुपीरियर हॉर्न, एंड इन्फीरियरली एज इन्फीरियर हॉर्न, और थोड़ा नीचे भी जाता है नीचे से, उसको हम इन्फीरियर हॉर्न कहते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया। टू द अपर बॉर्डर थायरॉयड लिगामेंट इज़ अटैच्ड, जो अपर बॉर्डर था हमारे थायरॉयड कार्टिलेज का, उसके साथ क्या अटैच होता है, हमारा थायरॉयड लिगामेंट उसके साथ अटैच होता है। आउटर सरफेस ऑफ लेमिना प्रेजेंट्स एन ओब्लिक लाइन विच गिव्स अटैचमेंट टू स्ट्रैप्स मसल, जो ये ओब्लिक लाइन होती है वो किस लिए होती है, क्योंकि वो अटैचमेंट के लिए होती है, किसकी, जो स्ट्रैप्स मसल होती है उनकी अटैचमेंट के लिए वो लाइन होती है। तो जो स्ट्रैप्स मसल, इसमें कौन कौन सी आती है, हमारी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल एंड फेरन, जो हमारे फेरेंक्स की होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, प्री ट्राइकियल फैशिया जो होती है, प्री ट्राइकियल फैशिया, पहले आती है हमारी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स, फिर आती है हमारी प्री ट्राइकियल फैशिया, उनको ये अटैचमेंट के लिए मदद करती है, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रैप मसल्स। कहाँ पर ये अटैच होते हैं, जो ओब्लिक लाइन होती है हमारी आउटर सरफेस ऑफ लेमिना पे, जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, हमारी थायराइड कार्टिलेज पे होती है ये लाइन, ओब्लिक लाइन, वहाँ पर क्या होता है अटैच, हमारे स्ट्रैप्स मसल अटैच होते हैं वहाँ पर। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी होती है हमारी कार्टिलेज, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। तो जो हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है, ये मैंने आपको दिखाया था और बताया था, ये होती है रिंग लाइक, सिग्नेट रिंग लाइक होती है, ये रिजम्बल लाइक है सिग्नेट रिंग, रिंग जैसी होती है ये, मतलब जो सिग्नेट रिंग होती है वो आगे थोड़ी ब्रॉड होती है और बाकी नैरो होती है साइड से, तो वैसी ये भी होती है। कंसिस्टेंस ऑफ पोस्टीरियर क्वाड्रेटरल लेमिना एंड एंटीरियर आर्च, ये दो होते हैं इस पर, पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर लेमिना होता है, क्वाड्रिलेटरल लेमिना होता है और एंटीरियर आर्च होता है इस पर, तो ये भी हाइलिन कार्टिलेज होती है हमारी, ये भी हमारी हाइलिन कार्टिलेज होती है, जिस तरह हमारी थायरॉयड कार्टिलेज क्या होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है, उसी तरह ये भी हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज होती है, और लाइन होता है सीलेटेड कोलोनर एपिथेलियम से, जो हमारा सीलेटेड कोलोनर एपिथेलियम होता है वो इसको लाइन करता है। इसके बाद जो हमारी तीसरी कार्टिलेज है, वो हमारी एपिगलॉटिस होती है, वो हमारी एपिगलॉटिस होती है। तो एपिगलॉटिस की बात अगर करें, ये लीफ शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज होती है, देखो वो हमारी हाइलिन कार्टिलेज है, ये हमारी इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ये जो होती है हमारी ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है। अब हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में आपको डिफरेंस कैसे पता होगा, जो हमारी हाइलिन कार्टिलेज होती है ना, ये मतलब जब आफ्टर एडल्ट एज, टीन एज के बाद ये फिर ऑसिफाई होते हैं, जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं वो फिर ऑसिफाई होते हैं, चांसेस होते हैं वो ऑसिफाई हो जाए, लेकिन जो इलास्टिक होती है ये ऑसिफाई नहीं होती है, ये ऑसिफाई नहीं होती है, जो इलास्टिक होती है ये ऑसिफाई नहीं होती, जो हाइलिन होती है वो मे बी ऑसिफाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन चांसेस है उसके,
इससे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो इलास्टिक होते हैं ये होती ही नहीं है, इसके निल चांसेस होते हैं, उनके चांसेस होते हैं, इनके निल होते हैं। तो उसके बाद लोअर एंड इज़ नैरो एंड अटैच्ड टू इनर सरफेस ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज। इसका जो लोअर एंड होता है वो नैरो होता है और किसके साथ होता है, हमारे थायरॉयड कार्टिलेज के साथ मिला हुआ होता है बाय अ लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू होता है इसके साथ वो अटैच। इसके बाद जो अपर एंड होता है वो ब्रॉडर होता है एंड फ्री होता है, अपर एंड इज ब्रॉडर एंड फ्री। एंटीरियर बॉर्डर की अगर बात करें, जो एंटीरियर पार्ट होता है ना इसका, उसकी अगर बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है किसका, एपिग्लॉटिस का, तो क्या होता है वहाँ पर लाइन होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम से। अगर पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम होता है, जिसको हम ट्रांजिशनल एपिथीलियम भी कहते हैं, वो होता है वहाँ पर। पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या होता है हमारा, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो एक्ट्स एज लिड फॉर, जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है ये ढक्कन का काम करता है, लिड मतलब ढक्कन किसका, लैरिंग्स का। कब, क्लोज लैरिंग्स ज्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम कुछ मतलब पीते हैं खाते हैं उस वक्त हमारा, जब हम जब स्वेलो करते हैं तो अगर आप उस वक्त अपने ये जो बाहर से हमें लैरिंग्स प्रोमिनेंस होती है तो उसको अगर आप उस वक्त पकड़ के रखोगे और कुछ स्वेलो करोगे तो आपको लगेगा कि ये ऊपर आ रहा है, आपको क्या लगेगा, ये ऊपर आ रहा है। जब ये ऊपर आ रहा है ना तब ये क्या करता है, ये लैरिंग्स को बंद करता है, कौन, एपिग्लॉटिस, इसको हम कहते हैं लिड, लिड फॉर लैरिंग्स, ये तब लैरिंग्स को बंद कर देता है जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं। इसके बाद हमारी अर्टेनोइड कॉटलेज होती है, एरिटेनॉइड कॉटिलेज जो कि पियर्ड होती है, अब हम इसकी बात करेंगे। प्लेसड ऑन अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकॉइड कॉटिलेज, जो अपर बॉर्डर होता है हमारे क्रिकॉइड कॉटिलेज का, वहाँ पर ये होती है। प्लेसड ऑन अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकॉइड कॉटिलेज, तो उसके अपर बॉर्डर पे होती है, पैरामिडल शेप्ड में होती है, पैरामिडल इन शेप, शेप में ये पैरामिडल होती है, आपको ये पता होनी चाहिए, शेप में पैरामिडल होती है। उसके बाद गिव्स अटैचमेंट टू वोकल कॉर्ड्स, यही जो होती है अर्टेनोइड कार्टिलेज, ये अटैचमेंट देती है किसकी, वोकल कॉर्ड्स की, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, किस कार्टिलेज के साथ हमारे वोकल कॉर्ड्स, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं अटैच होते हैं, किसके साथ होते हैं, हमारे अर्टेनोइड कार्टिलेज के साथ, तो ये पता होनी चाहिए। और ये जो होता है ये लाइन होता है किससे, जो हमारे सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होता है उससे ये लाइन होता है, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से ये लाइन होता है, कौन, हमारा अर्टेनोइड कार्टिलेज। तो ये अटैचमेंट किसको देता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, इट गिव्स अटैचमेंट टू वोकल कॉर्ड्स एंड इज लाइंड बाई सीलिएटेड कोलमनार एपिथीलियम। तो इसके बाद जो और दो पियर्ड कार्टिलेज बचते थे, एक था कॉर्निकुलेट, दूसरा था क्यूनिफॉर्म। जो कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म होते हैं ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल कार्टिलेज होते हैं, लेकिन पियर्ड होते हैं, लाइंग विद इन द एटी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, जो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड होते हैं ये उसी में होते हैं, लेकिन ये मतलब पियर्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल कॉटिलेज लाइंग विद इन एरेपिग्लॉटिक फोल्ड्स, एपिग्लॉटिक फोल्ड में होते हैं। तो इसके बाद अगर हम लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले बता दूं, जो लिगामेंट्स होते हैं वो एक्सट्रेंजिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रेंजिक लिगामेंट जो होते हैं कनेक्ट द कॉटिलेज, तो एक्सट्रेंजिक लिगामेंट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं कॉटिलेज को आपस में, एक्सट्रेंजिक लिगामेंट कनेक्ट इज कॉटिलेज। इंट्रेंसिक जो लिगामेंट्स होते हैं वो बिटवीन होते हैं किस किस के दरमियान, बिटवीन म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बिटवीन नहीं बिनथ, बिनथ होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, हमारे इंट्रेंसिक लिगामेंट्स होते हैं बिनथ द म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे इंट्रेंसिक लिगामेंट होते हैं। तो अगर अपर पार्ट की बात हम करें, अपर पार्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर इसको क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। थायरॉयड के ऊपर अगर इसकी बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। और लोअर पार्ट की बात करें तो इसको कॉनस इलास्टिकस कहते हैं, कॉनस इलास्टिकस ही होता है, सुना होगा ना, कॉनस इलास्टिकस पढ़ा होगा आपने 11th 12th में। तो कॉनस इलास्टिकस क्या होता है, जो लोअर पार्ट की बात हम करें किसकी, लिगामेंट की, वहाँ पर इसको कॉनस इलास्टिकस कहते हैं। और अगर अपर पार्ट में बात करें तो वहाँ पर इसको क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ पर क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट की बात करें तो कॉनस इलास्टिकस इसी को कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कैविटी ऑफ लैरिंग्स, कैविटी ऑफ लैरिंग्स की अगर हम बात करें, एक्सटेंड्स फ्रॉम लैरेंजियल इनलेट, जो जहाँ से ओपन होती है वहाँ पर क्या होता है हमारा, लैरेंजियल इनलेट, वहाँ से स्टार्ट होता है
मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड की बात अगर हम करें तो लैरिंजियल इनलेट से शुरू होती है ऊपर से टू द बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कॉटलिड, जो क्रिकॉइड कॉटलिड का बॉर्डर होता है वहाँ तक ये जाता है। कहाँ से लेकर लैरिंजियल इनलेट जो होता है वहाँ से लेकर ही कहाँ तक जाता है, जो हमारा क्रिकॉइड कॉटिलेज होती है वहाँ तक ही जाता है। तो सुपीरियरली अगर हम बात करें इसकी, सुपीरियरली ओपन्स इनटू लैरेंजियल पार्ट ऑफ फेरेंक्स, जो लैरेंजियल पार्ट ऑफ फेरेंक्स होती है वहाँ तक ही होती है। ऊपर से अगर बात करें इन्फीरियरली कहाँ तक होती है, कंटिन्यूस विद ट्रैकिया, ट्रैकिया के साथ फिर कंटिन्यूस नीचे होती है। इन्फीरियर इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इसका इंटीरियर होता है, इंटीरियर सॉरी इंटीरियर जो होता है वो लाइंड होता है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटीरियरली ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। टू पेयर्स ऑफ फोल्ड्स प्रोजेक्ट्स इन टू द कैविटी फ्रॉम लेटरल वॉल्स, टू पेयर्स ऑफ फोल्ड, जो दो फोल्ड्स होते हैं वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं इसमें कैविटी को लेटरल वॉल्स में। तो लेटरल वॉल्स से जो टू पेयर्स ऑफ फोल्ड्स होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं कैविटी को लेटरल वॉल से। इसके बाद हम बात करेंगे जो अपर पेयर्स होता है, अपर पेयर जो होता है, अपर पेयर ऑफ फोल्ड आर वेस्टिबुलर फोल्ड, जो अपर पेयर्स ऑफ फोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड्स, उनको हम वेस्टिबुलर फोल्ड्स कहते हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड्स अपर फोल्ड्स होते हैं, या इनको कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ये बात याद रखना, वोकल फॉल्स वोकल कॉर्ड्स किसको कहते हैं हम, वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स को। जो हमारा वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स होते हैं ये हमारे फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इसके बाद गैप होती है बिटवीन देम, इन दोनों जो ये फोल्ड्स होते हैं इनके बीच में गैप होती है, तो उस गैप को हम क्या कहते हैं, रिमा वेस्टिब्यूलाई, उसको हम रिमा वेस्टिब्यूलाई कहते हैं। रिमा वेस्टिब्यूलाई ये गैप होती है दो फोल्ड्स के दरमियान, रिमा वेस्टिब्यूलाई। इसी तरह जो लोअर पेयर ऑफ फोल्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, या ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो उनके दरमियान गैप होती है, फिशर होता है, उसको हम कहते हैं रिमा ग्लॉटिस, रिमा ग्लॉटिस या ग्लॉटिडिस, रिमा ग्लॉटिस हम उसी को कहते हैं, जो फोल्ड के दरमियान गैप होती है, फिशर होता है, उसको हम कहते हैं रिमा ग्लॉटिस। ये किसके दरमियान होती है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो गैप होती है उसको हम रिमा ग्लॉटिस कहते हैं, और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो गैप होती है उसको हम रिमा वेस्टिब्यूलाई कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम पार्ट्स ऑफ कैविटी की बात करें, जो पार्ट्स ऑफ कैविटी होती है तो थ्री पार्ट्स होते हैं इसके, जो इसकी कैविटी होती है इसकी हमारे लैरिंग्स की, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। देखो पहला जो होता है वेस्टिब्यूल होता है, साइनस ऑफ लैरिंग्स होता है, और इन्फ्राग्लॉटिक पार्ट होता है। पहले हमारे वेस्टिब्यूल होता है, फिर साइनस ऑफ लैरिंग्स होता है, फिर क्या होता है हमारा इन्फ्राग्लॉटिक पार्ट होता है। पहले अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम इनलेट और इनलेट टू वेस्टिब्यूलर फोल्ड। तो ये स्टार्टिंग जो पार्ट होता है ये वही होता है, कहाँ से, इनलेट ऑफ लैरिंग्स से, इनलेट ऑफ लैरिंग्स से कहाँ तक, जो वेस्टिब्यूलर फोल्ड होता है वहाँ तक जो पार्ट होता है वो हमारा वेस्टिब्यूल होता है। इसके बाद साइनस की बात करें, या साइनस इसको कहते हैं या वेंट्रिकल भी कहते हैं, साइनस या वेंट्रिकल, तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारा, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, हमारे लैरिंग्स कैविटी का। तो इसके बाद ये बिटवीन होता है वेस्टिब्यूलर फोल्ड एंड वोकल कॉर्ड्स, वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स के दरमियान ये होते हैं, जो वेस्टिब्यूलर पार्ट, वेस्टिब्यूलर फोल्ड और वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल फोल्ड्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो गैप होते हैं उसको हम साइनस कहते हैं या वेंट्रिकल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा इन्फ्राग्लॉटिक पार्ट होता है, जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, इन्फ्राग्लॉटिक पार्ट जो होता है ये कहाँ से होता है, हमारे लेवल ऑफ जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं वहाँ से लेकर बिगनिंग ऑफ ट्रैकिया तक, मतलब लास्ट एंड तक, वोकल फोल्ड से लेकर बिगनिंग ऑफ ट्रैकिया तक होता है हमारा इन्फ्राग्लॉटिक पार्ट। इसके बाद अगर हम वोकल फोल्ड्स की बात करें या वोकल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं इसकी बात करें, वोकल कॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वेज शेप्ड होते हैं, वेज शेप्ड होते हैं, और पेयरली वाइट फोल्ड्स होते हैं, पेयरली वाइट फोल्ड्स हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लाइन होते हैं, मतलब वो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, वाइट फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन वेज शेप्ड होते हैं, वेज शेप्ड आप समझ रहे हैं ना, वेज शेप्ड होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रपीजियम होता है, ट्रपीजियम की बात करो आप वैसे ही होता है, तो वेज शेप्ड होता है, पेयरली वाइट फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रॉम एंगल ऑफ थायरॉयड कॉटिलेज, स्ट्रेचिंग फ्रॉम एंगल ऑफ थायरॉयड कॉटिलेज टू वोकल प्रोसेसेस ऑफ एटेनॉयड कॉटिलेज, कहाँ से कहाँ तक, हमारे थायरॉयड कॉटिलेज से लेकर हमारे एटेनॉयड कॉटिलेज तक।
तो इनके दरमियान जो फिशर होता है, फिशर बिटवीन वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड रिमा ग्लोटिस या रिमा ग्लोटिडिस। रिमा ग्लोटिडिस यहाँ पर मैंने लिखा है, ये फिशर होता है दो वोकल कॉर्ड्स के दरमियान। तो कंसर्न विद वॉइस प्रोडक्शन, इसमें ये मदद करते हैं हमारी वॉइस प्रोडक्शन में, ये हमारे हेल्प करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड में होता क्या है। ईच वोकल कॉर्ड कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या होता है। पहली जो होता है वोकल लिगामेंट होता है हमारा, वोकल लिगामेंट, उसके बाद वोकैलिस मसल, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। वोकल लिगामेंट होता है, वोकैलिस मसल होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये तीन पार्ट होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड में, वोकल लिगामेंट, वोकैलिस मसल और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये तीन पार्ट्स होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड में। तो इसके बाद अगर हम मसल्स ऑफ लैरिंग्स देखें, मसल्स ऑफ लैरिंग्स की हम बात करें, तो उसमें एक्सट्रेंसिक मसल्स होते हैं और इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे जो हमारे एक्सट्रेंसिक मसल्स होती है उनकी बात अगर हम करें, तो एक्सट्रेंसिक मसल में क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं स्केलेटन एंड बोन्स एबोइड। जो इसके ऊपर स्केलेटन इसका होता है या बोन्स होते हैं, कार्टिलेज जो बोन्स होते हैं उनसे ये अटैच होता है। मूव्स द लेयरिंग्स एज ए होल ज्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम मतलब रेस्पिरेट कर रहे हैं या कभी डिगुलेटेशन मतलब स्वेलिंग करते हैं, तो ये जो हमारे एक्सट्रेंसिक मसल्स होते हैं ये हमारे पूरे जो लैरिंग्स होता है उसको मूवमेंट करते हैं। जैसे आप कुछ स्वेलो करो तो फील होता है, यहाँ पर अगर आप अपने नेक पे हाथ रखोगे तो फील होता है ये ऊपर की ओर जा रहा है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग हमारा जो लैरिंग्स होता है ये अबो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसे कौन करते हैं ये काम, ये हमारे एक्सट्रेंसिक मसल्स करते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे एक्सट्रेंसिक मसल्स की होती है, थायरोहॉइड होती है, स्टेलोहॉइड होती है, ओमोहॉइड होती है, जीनियोहॉइड होती है और हायोग्लोसस मसल होती है। ये पांच होती है, थायरोहॉइड, स्टाइलोहॉइड, ओमोहॉइड, जीनियोहॉइड एंड हायोग्लोसस मसल्स होती है। तो इसके बाद अगर हम इंट्रेंसिक की बात करें, इंट्रेंसिक की अगर हम बात करें, तो इंट्रेंसिक में हम क्या देखते हैं, देखो जो इंट्रेंसिक मसल्स होती है ना ये भी मदद करते हैं इसमें मूवमेंट में, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये ज़्यादातर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो कैसे मदद करते हैं, देखो प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन्हीं का काम होता है, जो इंट्रेंसिक मसल्स होती है यही प्रोडक्शन ऑफ साउंड में मदद करती है और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करती है। तो अब इनके नाम देखते हैं कौन कौन सी मसल होती है। देखो क्रिकोथायरॉयड होती है, इसी तरह थायरोआर्टेनॉयड होती है, वोकैलिस मसल होती है, पुस्टीरियर क्रिकोआर्टेनॉयड होती है, लेटरल क्रिकोआर्टेनॉयड होती है, ट्रांसवर्स आर्टेनॉयड होती है, ओब्लिक आर्टेनॉयड होती है, और होती है एरे एपिग्लॉटी एपिग्लॉटिकस, एरे एपिग्लॉटिकस होती है और थायरो एपिग्लॉटिकस होती है। कितनी होती है, ये टोटल नाम होती है। पहली जो होती है क्रिको थायरॉयड, दूसरी थायरो आर्टेनॉयड, तीसरी वो कैलिस मसल, फोर्थ जो होती है वो हमारी पोस्टीरियर क्रिको आर्टेनॉयड होती है, फिफ्थ जो होती है वो हमारी लेटरल क्रिको आर्टेनॉयड मसल होती है, इसी तरह जो सिक्स्थ होती है वो हमारी ट्रांसवर्स आर्टेनॉयड होती है, सेवन्थ जो होती है वो हमारी ओब्लिक आर्टेनॉयड होती है, एट्थ जो होती है वो हमारी एरी एपिग्लॉटिकस होती है, और जो नाइन्थ होती है वो हमारी थायरो एपिग्लॉटिकस होती है। तो इसमें आपने जो पॉइंट याद रखना है वो हमारा ये है, जो हमारी पोस्टीरियर क्रिको आर्टेनॉयड होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है पोस्टीरियर क्रिको आर्टेनॉयड इज़ ओनली मसल विच एबडक्ट्स वोकल कॉर्ड्स, विच एबडक्ट्स, एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स में मदद करती है। एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन होता है मतलब थोड़ा दूर करना, आपस में दूर करना, ये किसकी काम होती है, पोस्टीरियर क्रिको आर्टेनॉयड जो मसल होती है ये सिर्फ उसी मसल का काम होता है जो ये एबडक्ट करती है। देखो अगर ये कोई पॉइंट है, ये मान लो ये एंगल है इनके दरमियान, अगर ये एंगल हमने बड़ा करना है तो हम कहते हैं एबडक्ट करना है, अगर छोटा करना है, अगर हमने ये एंगल छोटा करना है तो हम कहते हैं एडक्ट करना है। एडक्ट होता है छोटा करना, एबडक्ट होता है बड़ा करना। तो यहाँ पर हमने ये जो बड़े करने में हमारी मदद करती है वोकल कॉर्ड्स को, तो कौन करते हैं, हमारी जो पोस्टीरियर क्रिको आर्टेनॉयड मसल होती है वही करती है। तो इसके बाद हम ब्लड सप्लाई की बात करें, तो ब्लड सप्लाई में क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई कौन करती है, यहाँ पर हमारी जो सुपीरियर और इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरीज होते हैं वो प्योर ब्लड देते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड होते हैं या वेनस ब्लड, यहाँ से जाता है थायरॉयड वेन के थ्रू विज्वाइन इसके साथ, इन्फीरियर जुगुलर वेन के साथ वो फिर
आगे मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें नर्व सप्लाई की बात करें तो अगर मोटर पार्ट देखें तो ऑल इंट्रेंसिक मसल्स, जो ऑल इंट्रेंसिक मसल्स एक्सेप्ट क्रिको थायरॉयड, ऑल इंट्रेंसिक मसल्स एक्सेप्ट क्रिको थायरॉयड आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिको थायरॉयड। तो क्रिको थायरॉयड जो होती है इसको कौन करता है फिर सप्लाई, इसको करता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। जो हमारी क्रिको थायरॉयड मसल होती है, ये हमारी इंट्रेंसिक मसल होती है, इसको कौन करता है सप्लाई, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इसको सप्लाई करता है। और जो बाकी इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं उनको कौन करते हैं, हमारे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व उनको सप्लाई करते हैं। तो अगर सेंसरी पार्ट की बात करें तो म्यूकोसा एबो वोकल कॉर्ड्स, अगर वोकल कॉर्ड्स के ऊपर की बात करें, म्यूकोसा ऑफ वोकल कॉर्ड्स एबो द म्यूकोसा जो होता है इसमें एबो द वोकल कॉर्ड्स, अगर उसकी बात करें तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व करती है वहाँ पर सप्लाई एबो द वोकल कॉर्ड्स, जो म्यूकोसा होता है एबो द वोकल कॉर्ड्स वहाँ पर सप्लाई करता है हमारा इंटरनल लैरिंजियल नर्व। तो अगर बिलो द वोकल कॉर्ड्स की बात करें, बिलो द वोकल कॉर्ड्स वहाँ पर कौन करते हैं हमारे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वहाँ पर भी हमारे इसको सप्लाई करते हैं। तो गाइस ये था हमारा लैरिंग्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब इसके बाद हमारा टॉपिक वही था ट्राइकिया, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग वीडियोज़, आई होप यू अंडरस्टैंड।